कि इसी माह रजब में एक और बहुत अहम चीज जिसका तस्करा बहुत ज्यादा किया गया और बड़े अजीब अंदाज से किया गया वो है सदका। कि इस माह रजब के अंदर वैसे भी सदका दो सदका दो सदका दो, अनफिकु मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुम अल मौत फयकूल रब्बे लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब फअसद्दका व अकुम मिनस सालिहीन। सूरह मुनाफिकून की आयत है कि इन्फाक करो, खुदा की राह में खर्च करो, जो हमने दिया है रिस्क उसमें से, इससे पहले कि मौत आ जाए और तुम कहने लगो रब्बे ऐ हमारे परवरदिगार लौला अख़्खरतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी मोहलत दे दे। फअसद्दका क्यों? ताकि मैं सदका दूं तेरी बारगाह में व अकुम मिनस सालिहीन और सालिहीन में शामिल हो जाऊं। तो उस मौके पर जो एक इंसान की हसरत हो सकती है वो यही है कि वो खुदा से कहे मालिक थोड़ी मोहलत दे दे कि मैं सदका दूं। अब उस मौके पर जब पता है कि अब जान निकलने वाली है तो इंसान जो कुछ भी बोले वो कम है, लेकिन जो पहली तलब और तड़प उसके दिल में होती है वो यही है कि मालिक मैं सदका देकर किसी की मदद करूं और सालेहीन में शामिल हो जाऊं। ये कुरान की आयत है। रजब के महीने के हवाले से अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पैगंबर अकरम के सहाबी हैं, वो रिवायत करते हैं पैगंबर अकरम खत्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं पैगंबर अकरम के कसरत के साथ, थोड़ा बहुत नहीं कसरत के साथ, कर रजब में सदका दो कसरत के साथ, चाहे अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो इतना तो करो कि रोजाना एक रोटी सदके में दो। यानी बाकायदा कि अगर ज्यादा नहीं दे सकते तो इतना तो जरूर करो कि एक रोटी रोजाना रजब के महीने में, यानी 30 दिन है तो 30 रोटियां और रोजाना एक रोटी, ज्यादा नहीं दे सकते तो इतना, और ज्यादा बढ़ा सको तो क्या कहना, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते तो इतना जरूर करो कि एक रोटी रोजाना सदका दो। सवाब क्या मिलेगा? धंधे वाले लोग हैं, कारोबार वाले लोग हैं, बिजनेस वाले लोग हैं, तो अल्लाह के रसूल अल्लाह तो खुश होगा, मगर वो ठीक है अल्लाह तो खुश हो ही जाएगा, वो तो जल्दी खुश हो जाता है, सरी अर रजा है, बहुत जल्दी राजी हो जाता है। ये बताइए कि सवाब क्या मिलेगा? यानी ये अब मैं अपने अल्फाज में गुजारिश कर रहा हूँ, पैगम्बर अकरम ने एक बड़ी अजीब डील ऑफर की है, जिस तरीके से मिडनाइट डील्स होती हैं या किसी खास मौसम के अंदर कोई डील आती है, पैगंबर अकरम ने अजीब बात की है, वाकई अजीब बात की है। माह रजब के अंदर सदका देना, पैगंबर फरमाते हैं कम से कम एक रोटी तो दो, और अगर किसी ने माह रजब में इस तरह से करने को अपनी आदत बना लिया तो उसे वो पूरा सवाब मिलेगा जो आज तक मैंने सदके का बयान किया है। यानी ये एक दिन दो दिन के सवाब की बात नहीं हो रही है, पैगंबर अकरम ने 63 साल जिंदगी के अंदर जितना सवाब सदके का बयान किया है, पैगंबर फरमाते हैं ये सब का सब उसे मिलेगा कि जो माह रजब में कम से कम रोजाना एक रोटी देने को अपनी आदत बना ले और उसके बाद ये आदत इसकी पुख्ता हो जाए। और फिर फरमाते हैं पैगंबर कि उतना तो मिलेगा ही जितना मैंने बयान किया है अपनी पूरी जिंदगी में आज तक, बल्कि उससे भी ज्यादा मिलेगा जो मैंने बयान किया है। ये अजीब सवाब है जो सदके का पैगंबर अकरम ने इसके अंदर बयान किया है। यानी आप देखेंगे कि पैगंबर ने बहुत सदके का सवाब बयान किया, ये सवाब वो सवाब ये सवाब वो फायदा ये फायदा का, वो सब का सब उसे हासिल होगा जो इस माह रजब में एक रोटी रोजाना और फिर उसे अपनी आदत बना ले कि इस तरीके से तो मुझे सदका देना ही है। यानी ये वो अखलाकियात हैं, यानी पैगंबर जब कहते हैं आदत बना लो, यानी क्या मतलब है? यानी सखावत तुम्हारा अखलाक बन जाए, तुम्हारा हाथ देने वाला बने, लेने वाला ना बने, देने की आदत तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए।